हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द स्पेशल क्रॉस दैट इज द टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस आउट क्रॉस बैक क्रॉस के ही टाइप्स में हमने आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ा था Now in this video we will discuss about the post mendelism we are discussing a very important chapter of class 12 that is principles of inheritance and variation in this video we will discuss about the gene interaction and today's topic is the allelic gene interaction or the intragenic gene interaction right so post mendelism after rediscovery of mendel's work 1900 ऑनवर्ड जैसा कि हम जानते हैं मेंडल के काम को तीन साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया और रीडिस्कवर करके पोस्ट मेंडलिज्म यानि कि उन चीजों के बाद चीजें दी गई जिनको बोला गया पोस्ट मेंडलिज्म जिसमें आता है जीन इंटरेक्शन जीन्स इंटरैक्ट टू मॉडिफाई द फिनोटाइप जीन किस लिए इंटरैक्ट करते हैं जिससे फिनोटाइप बदला जा सके मतलब अगर जीन इंटरैक्ट करेंगे तो फिजिकल अपियरेंस बदल जाएगी वॉट इज फिनोटाइप फिनोटाइप इज द फिजिकल अपियरेंस राइट अब जो जीन इंटरक्शन है वो दो टाइप का है वन जीन इंटर इंट्राजेनिक या एलिलिक इंटरक्शन टू जीन इंटरक्शन इंटरजेनिक या नॉन एलिल

उनको या जो अलील्स होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं। तो यहां पे प्रेजेंट हैं, तो इनको हम बोलेंगे अलील्स राइट right. तो इन अलील्स के बीच में जब आपस में बातचीत हो रही है इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज अलीलिक इंटरेक्शन जैसा कि हम जानते हैं एक जीन के लिए दो अलील्स होती हैं फॉर वन जीन देर आर टू अलील्स राइट तो जीन तो एक ही है उसके दो अलील्स हैं जीन एक है उसके दो अलील्स हैं तो विद इन द जीन इंटरेक्शन हो रहा है इसलिए इंट्राजेनिक विद इन द जीन अगर कोई चीज विद इन होती है दैट इज इंट्रा राइट और एक ही जीन के दो अलील्स के बीच में इंटरक्शन हो रहा है दैट इज अलीलिक इंटरक्शन सो इंटरक्शन बिटवीन अलील्स ऑफ द सेम जीन्स वही दो अलग अलग पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम के ये एक पेयर है ये दूसरा पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का यहाँ पे सेम लोकेशन पे ये दोनों हैं, यहां पे सेम लोकेशन पे ये दोनों, पे, पे ये दोनों, पे, पे ये दोनों बी बीबी राइट right. अब अगर इन दोनों के बीच में होता तो हम उसको बोलते इंट्रा बट यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग-अलग हैं अलील्स की पोजीशन अलग-अलग है तो यहां पे ए और ए तो दोनों एक दूसरे के लिए अलील हैं बट ये और ये एक दूसरे के लिए नॉन अलील है अगर हम बात करें ए बी के लिए नॉन अलील ए इस बी के लिए नॉन अलील राइट right? तो जब दो नॉन अलिल के बीच में इंटरैक्शन होता है तो उनको बोलते हैं नॉन अलिलिक इंटरैक्शन दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, उन पे अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट जो जीन्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है जैसे दो टीम के बीच में मैच होता है तो कहते हैं इंटर फुटबॉल चैंपियनशिप राइट तो उसी तरीके से इंटर जेनिक दो जीन के बीच में इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन राइट द इंटरेक्शन बिटवीन द अलीस ऑफ द टू डिफरेंट जीन दो अलग अलग जीन के अलीस के बीच में इंटरक्शन होना इंटरजेनिक इंटरक्शन या टू जीन इंटरक्शन राइट जब हम बात करते हैं जीन इंटरेक्शन की तो इंट्राजेनिक या एलिलिक इंटरैक्शन में हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनंस को डोमिनंस मल्टीपल एलि एंड प्लूरो टॉपिक जीन टू जीन इंटरक्शन पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन एपिस्टेटिक जीन सप्लीमेंट्री जीन एंड डुप्लीकेट जीन के बारे में तो हम ये कह सकते हैं ये इनके एग्जाम्पल्स हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिलिक एंड नॉन एलिलिक इंटरक्शन सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीन इंटरक्शन में वन जीन इंटर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को उससे पहले एक बात और एक होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर एक होता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर क्वालिटेटिव कैरेक्टर डिपेंड नहीं करता है डोमिनेंट कितने हैं सो द कैरेक्टर इज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील डोमिनेंट अलील के नंबर पे डिपेंड नहीं करता है बट क्वान्टिटेटिव डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डोमेंट अलील क्वान्टिटी पे काम कर रहा है किस पे काम कर रहा है यह क्वांटिटी पे काम कर रहा है क्वांटिटी मतलब एक अमाउंट पे काम करने, मतलब करने वाला तो डोमिनेंट एलील के क्वांटिटी पे निर्भर करता है इनकंप्लीट डोमिनेंस जिसको बोला जाता है फिनोटिपिक ब्लेंडिंग इट इज आल्सो नोन एज फिनोटिपिक ब्लेंडिंग इट इज आल्सो नोन एज मोनोजीनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मोनोजीनिक इनहेरिटेंस क्या होता है मोनोजीनिक मोनो Mono मतलब वन जेनिक मतलब जीन वन जीन मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है द इनहेरिटेंस इन विच द ट्रेड इज बाय एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन ट्रेड कैसे डिटरमाइन होता है एक जीन के एक्सप्रेशन पे ट्रेड का कैसे पता लगा सकते एक जीन के इंटरेक्शन से पता लगा सकते हैं यह एक्सेप्शन है मैंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस का इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस इन In दिस fully dominant over इज नॉट हमने क्या देखा में कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन है अब हमने क्या देखा कि जब ये सिचुएशन है तो कैपिटल टी ही एक्सप्रेस करेगा और फिनोटिपिकली या अगर हम इसको देखें

जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तो ये ये समझाता है कि जो डोमिनेंट एलील है वो पूरी तरीके से रेसेसिव पे डोमिनेट नहीं कर रही पूरी तरीके से रेसेसिव को नहीं दबा रही इसके एग्जाम्पल हम करेंगे तो ये बात हमें वहां समझ आ जाएगी सो इन हिट्रोजाइगस कंडीशन एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप अपियर्स अब जब इसका हिट्रोजाइगस बनेगा जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हम क्रॉस बनाएंगे और जब एफ एन जनरेशन बनेगी तो उसमें जो हिट्रोजाइगस होगा वो इंटरमीडिएट होगा दोनों पेरेंट्स का इट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ बॉथ द राइट right? इसी कारण इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डोमिनेस इंटरमीडिएट डोमेंस भी बोला जाता है इसको इंटरमीडिएट इनिटेंस मोजाइक या पार्शल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल इनहेरिटेंस राइट इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी इसको बोला जाता है दस एफ एन हाइब्रिड डज नॉट रिजेंबल टू एनी ऑफ द पेरेंट अब जो एफन है ना तो मेल पेरेंट से मैच करता है ना ही फीमेल से खाता है इन दिस इनहेरिटेंस द फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप यार जीनोटिपिक रेशोज आर सेम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम होते हैं इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस एंड मिराबेलस जलापा दैट इज फोर ओ क्लॉक प्लांट और गुलेबेंस इसके नाम है फोर ओ क्लॉक प्लांट मिराबेलस जलापा एंड गुलेबंस में डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस तो क्वेश्चन आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है कार्ल कॉरेंस और कौन से फ्लावर में डिस्कवर किया था फ्लावर कलर ऑफ मीराबेल्स जलापा और फोर ओ क्लॉक प्लांट फ्लावर कलर इन मिराबिल्स जलापा दैट इज फोर ओ क्लॉक प्लांट और गुल्ले बेंस हमारे पास इस फूल में यानि कि जो मिराबल्स जलापा है या जो फोर ओ क्लॉक प्लांट है उसमें हमने यहाँ पे मेल पेरेंट लिया और फीमेल पेरेंट लिया फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो हमने लिया डोमिनेंट वो लिया हमने कैपिटल आर कैपिटल आर दैट इज रेड फ्लावर और रेसेसिव लिया वाइट फ्लावर तो हमने यहाँ पे जो पेरेंट लिया उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी कि फ्लावर कलर हमने कैरेक्टर लिया है फ्लावर कलर और उस फ्लावर कलर में डोमिनेंट और एसेसिव में रेड एंड व्हाइट लिया रेस्पेक्टिवली राइट right? अब जब इनको क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने से यहां पे रेड नहीं आया दोनों पेरेंट्स का इंटरमीडिएट आया दैट इज पिंक दोनों पेरेंट का इंटरमीडिएट आया और उस इंटरमीडिएट को हमने बोला पिंक अब इस इंटरमीडिएट के बनने की वजह से इसको इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस बोला जाता है और यह भी बोला जाता है कि यहां पे जो डोमिनेंट अलील है वो रेसेसिव एलील पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रही है उसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका इनकम्प्लीट प्रभाव है रेसेसिव पे इसीलिए जब हिट्रोजाइगस कंडीशन बनी जब एफ एन जनरेशन बनी और एफ एन जनरेशन में जब यहां पे zygote बने तो यहां पे क्या था यहां पे हमने देखा कि जो फ्लावर बने वो कैसे थे पिंक थे अब उनकी सेल्फिंग कराई गई तो सेफिंग में F1 F1 के साथ क्रॉस कराया F1 को जब F1 के साथ क्रॉस कराया तो यहाँ पे देखा कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे गैमिट बन गए गैमिट बने तो यहाँ पे देखा गया कि जब क्रॉस पूरा बन गया तो बनने के बाद क्या देखा कि एक बना रेड दो बने इंटरमीडिएट और एक बना व्हाइट क्लियर सो यहां पे अगर हम देखें इसका फिनोटेपिक रेशियो तो फिनोटेपिक रेशो में हम यहाँ पे इंटरमीडिएट को रेड के साथ अब नहीं मान सकते अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो रेशियो विल बी थ्री टू वन बट दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस सो हियर द फिनोटोपिक रेशियो इज रेड पिंक व्हाइट

स्नैप ड्रैगन एंटीराइनम तीन नाम है कोई भी नाम याद रहे सेम क्रॉस बनेगा और जब F2 टू जनरेशन आएगी तो फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जिनोटिपिक रेशो स्नैप ड्रैगन में भी या ड्रॉप फ्लॉर में भी सेम कंडीशन आएगी और मिराबिलिस जलापा में भी सेम कंडीशन आएगी नेक्स्ट फेदर कलर इन एंडुलसियन फॉल जो फेदर कलर है यानी कि पंखों का जो रंग है फॉल में यानी कि मुर्गे या मुर्गियों में उसके आधार पे कोडोमेंस का लॉ समझाना तो यहाँ पे पेरेंट में लिया गया ब्लैक एंड वाइट ब्लैक का हमने कैपिटल बी कैपिटल बी रखा वाइट का स्मॉल बी स्मॉल बी रखा क्रॉस कराया क्रॉस कराने से हमें यहां पे क्या मिला एफ एन जनरेशन में हमें ब्लू तो कलर का क्या मिला एक इंटरमीडिएट हमको मिला ब्लू कलर का तो यहां पे भी ब्लैक कलर ने पूरी तरीके से व्हाइट कलर को डोमिनेट नहीं किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिर यहां पे कैपिटल भी कैपिटल भी यानी कि ब्लू एंड ब्लू तो यहां पे मेटिंग कराई गई मेटिंग क्योंकि ये एनिमल्स हैं, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन तो करा नहीं सकते तो यहाँ पे मेटिंग कराएंगे तो मेटिंग कराने से यहां पे भी हम क्रॉस बनाएंगे सेम यहां पे भी क्रॉस बनेगा और जब क्रॉस बनेगा तो चेकर बोर्ड मैथड से मेल और फीमेल के गैमिट्स बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी गैमिट्स बन गए क्रॉस कर देंगे कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी तो आप फिनोटिपिक रेशो निकालें जरा तो ब्लैक इज टू ब्लू ज टू वाइट इनका अगर रेशो निकालेंगे तो वन इज ब्लैक इन द एफ टू जनरेशन टू इज ब्लू एंड वन इज वाइट सो हियर द फिनो टिपिक रेशो फिनो टिपिक रेशो इज वन इज टू टू इज टू वन वही जब हम बोलेंगे जीनोटिपिक रेशो जीनो टिपिक रेशो तो जीनोटिपिक रेशो जीन्स के बेसिस पे रेशो दिया जाएगा सो द जीनोटिपिक रेशियो इज कैपिटल बी कैपिटल बी इज टू कैपिटल बी स्मॉल बी इज टू स्मॉल बी स्मॉल बी जीन्स के बेसिस पे रेशो अगेन वन इज टू टू इज टू वन एंडलसिन फाउल में भी जीनोटेपिक और फिटेपिक रेशो सेम आएगा इसमें भी एफ एन जनरेशन में इंटरमीडिएट बनेगा डोमिनेंट अलील कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा अलील को क्लियर है नेक्स्ट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन सीड्स ऑफ गार्डन पी प्लांट

स्टार्च ग्रेन ना बड़ा था ना छोटा था मीडियम साइज था अब इसको जब सेल्फ किया जाएगा इसको जब क्रॉस किया जाएगा तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल बी स्मॉल बी तो यहाँ पे फिर से हमारे पास हुई चेकर बोर्ड मैथड से हम देखेंगे तो फिनोटिपिक रेशो और जिनो रेशो विल बी द सेम कैपिटल बी कैपिटल बी लार्ज साइज कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी मीडियम साइज स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन सो हियर ऑल्सो फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जिनोटिपिक रेशियो वन इज टू टू इज टू वन सेम रेशियो आएगा क्लियर है सो so, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन प्लांट इज क्रॉस्ड विद मीडियम साइज तो लार्ज साइज को हम क्या बोल रहे हैं लार्ज साइज कैपिटल बी कैपिटल बी को क्रॉस किया गया मीडियम साइज से दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी दिस इज लार्ज साइज लार्ज साइज एंड दीज आर मीडियम साइज मीडियम साइज और क्रॉस्ड राइट सो गैमिट फॉर्म करेंगे तो गैमिट जब हम फॉर्म करेंगे तो इससे जो हमें बन मिलेंगे कैपिटल बी कैपिटल सॉरी य सेम ब्लॉक

also 50 and small 0 small but love small b small b sized grain nahi ban rahi hai clear next in mirabilis red and white flower produce f1 generation f1 generation is test cross and produce 200 of springs how many of them are red Pink and white flowered respectively. Subse palle, mirabilis jalapa mein red crossed with white, red crossed with white. They are parents. So, in F1 generation, pink is produced, pink is produced in F1 generation because it is incomplete dominance, right? अब हमने क्या करना है कि कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराएंगे क्या कह रहे है एफ एन जनरेशन इज टेस्ट क्रॉस मतलब टेस्ट क्रॉस होता है F1 को पेरेंट्स से क्रॉस करा देना स्मॉल आर स्मॉल आर से क्रॉस करा दिया जब ऐसा किया तो यहां पे एज पर चेकर बोर्ड हमारे पास सिचुएशन अलग आएगी और सिचुएशन अलग कैसे आएगी यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर गैमिट यहाँ पे स्मॉल आर गैमिट ये हमने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया अब कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर तो ये कॉम्बिनेशन आया अब हमने क्या पता करना है रेड कितने हैं पिंक कितने हैं और वाइट कितने हैं तो रेड जीरो अगर 200 हंड्रेड ऑफ स्प्रिंग है तो रेड जीरो है पिंक कैपिटल आर स्मॉल आर 200 में से ये 100 है क्योंकि 50 परसेंट है ये 50 परसेंट है स्मॉल आर स्मॉल आर, दैट इज व्हाइट भी 50 परसेंट है तो ये भी हो जाएंगे 100, राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द को इट इज इज ऑल अबाउट द इनकम्प्लीट dominance we will discuss about the co-dominance in the next video right